अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक ठाक हैं। और सबसे पहले जो है हम बात करेंगे बहुत ही खुशी की जो खबर कल सुनने को मिली कि दुआ जहरा घर आ चुकी हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए भी और वालदैन के लिए उनके जो बहुत परेशान, तो अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी औलादों को महफूज रखे। और ये है जी, इसके बाद हमारी सुबह से जो हमारी रूटीन शुरू हुई है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग गए थे स्कूल बच्चों के, क्योंकि इन लोगों का आज मुझे रिज़ल्ट लेना था, तो ये मैं बाहर की थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी। तो थोड़ा सा मैं अभी स्कूल भी आप लोगों को दिखाऊंगी बच्चों का माशाल्लाह से। तो ये है बच्चों का स्कूल, और थोड़ा सा मैंने वीडियो बनाई थी क्योंकि बाकी जो है ज़्यादा अलाउ नहीं है अंदर जाके बनाने की, तो मैंने बाहर की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। तो ये बच्चों का स्कूल है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि माशाल्लाह मेरे बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं, इनके रिज़ल्ट आ गए हैं, अच्छे ग्रेड से पास हो गए हैं माशाल्लाह। और ये दिन में जो है वही मैंगो शेक जो मैंने बनाया था, तो बच्चों से चैलेंज करवाया मैंने, और बच्चे जो है वो इसमें थोड़े खेल खेल में खा पी लेते हैं, तो इसलिए मैंने ये करवाया था बच्चों के साथ। तो खदीजा क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे हैं खाने में, बिल्कुल इनको कोई चीज़ खाने का शौक़ नहीं है ना दिल चाहता है, तो इन दोनों को चैलेंज करवाया मैंने ताकि ये इसमें ना खा लें पी लेंगी। तो खदीजा ने पी लिया था फिर थोड़ा बहुत, लेकिन देर से पिया लेकिन पी लिया था। और आप लोगों से मुझे ये बात करनी थी कि आजकल जो है वो लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ पा रही है, और बहुत मुश्किल है लाइट की वजह से, ना पानी है ना ज़ाहिर मोटर नहीं चलती है, लाइट नहीं होती है, तो और थोड़ी देर के लिए आती है लाइट और फिर चली जाती है, और गर्मी बेइंतहा है, तो पानी की और जब जनरेटर चलते हैं तो फिर गैस भी नहीं आती है, तो बहुत मुश्किल में आजकल जो है, और मेरी वीडियो भी नहीं बन पा रही है, और मुझे काफ़ी मसला हो रहा है मुझे। तो इसलिए मैं फिर कल अम्मी के घर थोड़ी देर गई थी, उसके बाद मैं आई हूँ, तो थोड़ा बहुत जो मैंने ये शूट की वीडियो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को पसंद आएगी उम्मीद है। और आप सब लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और ज़्यादा कामयाब करे, जितना अभी हुआ है उससे ज़्यादा इनको और कामयाब करे, तरक्की दे इनको पढ़ाई में। और सबसे ज़्यादा जो खुशी की आज जो ख़बर मिली है वो यही है कि भाई दुआ जहरा अपने घर पहुंच जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, वो बाजियाब हो चुकी हैं, क्योंकि वालदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे, और ये उनका दिल ही जानता है कि उनकी बेटी जो है उनसे इतने दिन से दूर थी, लेकिन उनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला ने उनका साथ दिया, और बिलाखिर जो है वो दुआ जहरा मिल गई हैं, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद ही वो अपने घर पर होंगी। और अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, सबकी औलादों को महफूज रखे, क्योंकि औलाद का जो दुख है ना वो सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं, और सब तो वो सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन औलाद माँ बाप पे जो गुज़रती है ना वो कोई नहीं समझ सकता है। तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला सबको खुश रखे, शादोआबाद रखे। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।